हे गाइस, आप सभी को पता है कि 2023 में काफ़ी सारी बाइक लॉन्च हो गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेट्रो स्टाइल बाइक्स के बारे में, जिनको फिलहाल में लॉन्च करा गया इंडियन मार्केट में। वैसे तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने सभी बेस्ट बाइक को लिया है जो रिसेंट में ही लॉन्च हुई है, और मैं आपको बताऊंगा इन सभी बाइक के प्राइस के बारे में कि इन सभी बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या है, कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं बाइक में, कितनी पावर है, और ये बाइक आपको कितना माइलेज देगी सिटी राइडिंग में। तो 2023 में काफ़ी क्रेज है रेट्रो बाइक्स का, इसीलिए अगर आप आने वाले टाइम में किसी न्यू रेट्रो बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और इस वीडियो का लाइक के मैंने रखा है 150 लाइक्स का, आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को, और बात करते हैं इंडियन मार्केट में अवेलेबल रेट्रो स्टाइल बाइक्स के बारे में। तो सबसे पहली बाइक है ट्रायम्फ की तरफ से ट्रायम्फ स्पीड 400। इस बाइक का दोस्तों एक्सशोरूम प्राइस है 2,33,000, और ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ेगी इंश्योरेंस और ऑटो लगाकर 2,73,000 के ऑन रोड प्राइस पर। इस बाइक में आपको मिलता है 398 सीसी का लिक्विड कूल्ड यूएससी इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 40 बीएचपी की 8,000 आरपीएम पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 37.5 न्यूटन मीटर का 6,500 आरपीएम पर। और फीचर्स में आपको इसमें डुअल एबीएस मिलता है आप सभी की सेफ्टी के लिए, बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स है, और बाइक का कंसोल है एनालॉग प्लस डिजिटल, जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। बाकी बाइक में सभी पार्ट्स में एलईडी लाइट्स है, और बाइक के सस्पेंशन में आपको मिलता है फ्रंट पार्ट में 43mm का अपसाइड डाउन फोक, और बाइक के रियर पार्ट में है मोनोशॉक अब्सॉर्बर। और टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 110x70mm का, और बाइक के रियर पार्ट का टायर है 150x60mm का। और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 170kg का, सीट हाइट है 790mm की, जो बिल्कुल फेयर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 13 लीटर्स की, और ये बाइक आपको 30 से 35 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, इस बाइक को फिलहाल में ही लॉन्च करा गया है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है बाइक के, प्राइस भी काफ़ी नॉमिनल है सेगमेंट के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात जो इस बाइक का सर्विस इंटरवल टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बाइक की मेंटेनेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप इस बाइक को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो अगली बाइक है होंडा की तरफ से 2024 होंडा CB300R। तो ये जो बाइक है ये काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हो चुकी है इंडियन मार्केट में, लेकिन फिलहाल में इसके एक अपडेटेड वर्जन को लॉन्च करा गया है इंडियन मार्केट में, जिसमें बाइक में काफ़ी प्राइस ड्रॉप आया है और थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस भी आए हैं बाइक में, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाइक का प्राइस मैं आपको बताऊं तो ये बाइक आपको 2,40,000 के एक्शन प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी, और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 2,72,000, जो इस बाइक के डिजाइन और परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से काफी नॉमिनल है। एक परफेक्ट प्राइस रेंज में आपको ये बाइक मिल रही है इंडियन मार्केट में। तो स्पेसिफिकेशंस में बाइक में है 286 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 31.13 बीएचपी की 9,000 आरपीएम पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27.5 न्यूटन मीटर का 7,500 आरपीएम पर। तो फीचर्स में बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स है, डुअल चैनल एबीएस है, और एक न्यू एलसीडी मल्टी फंक्शनल मीटर आपको मिलेगा बाइक में, जिसमें काफी सारे फंक्शन आपको शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। सस्पेंशन में बाइक में फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोक है, रियर पार्ट में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्सॉर्बर है। बाइक के टायर साइज में फ्रंट पार्ट का टायर है 110x70mm का, और रियर पार्ट का टायर है 150x60mm का। लाइट्स आपको बाइक के सभी पार्ट्स में एलईडी मिलेगी, और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 146kg का। बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट है किसी भी सेगमेंट में आने वाली बाइक से, इवन 150 सीसी कैटेगरी में आने वाली बाइक भी इससे ज्यादा हैवी होती है, तो जो मजा आने वाला है ना इस बाइक को ट्रैफिक में चलाने का वो काफी ज्यादा होगा। बाकी बाइक की सीट हाइट है 800mm की, जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। और बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 9.7 लीटर की, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा कम है, और ये बाइक आपको माइलेज देगी 25 से 30 kmpl का सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो अगर आपको होंडा के इंजन की रिफाइनमेंट चाहिए और 300 सीसी कैटेगरी में आने वाली एक एंट्री लेवल बाइक चाहिए तो आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। तो अगली बाइक है दोस्तों हार्ले डेविडसन X440, और इस बाइक को भी फिलहाल में ही लॉन्च करा गया इंडियन मार्केट में। ये बाइक आपको 2,29,000 के एक्शन प्राइस पर देखने को मिलती है, और इस बाइक का जो टॉप मॉडल है उसका एक्शन प्राइस है 2,69,000, और ऑन रोड आपको ये बाइक पड़ेगी 2,69,000 से 3,13,000 के प्राइस पर। तो बाइक में आपको मिलता है 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 27.37 बीएचपी की 6,000 आरपीएम पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 38 न्यूटन मीटर का 4000 आरपीएम पर। बाइक में थोड़ी पावर कम है सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन आपको इसमें फीचर्स में स्विचेबल एबीएस मिलता है, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी है, वाईफाई है बाइक में, और बाइक के सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में 43mm के अपसाइड डाउन फोक है, रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्सॉर्बर है। टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 100x90mm का, और रियर पार्ट का टायर है 140x70mm का। लाइट्स आपको सभी पार्ट्स में एलईडी मिलेगी बाइक के सभी पार्ट्स में, और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 190.5kg का। बाइक की सीट हाइट है 805mm की, और इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 13.5 लीटर्स की, और ये बाइक आपको 30 से 35 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो ओवरऑल ये बाइक एक बजट सेगमेंट की हार्ले डेविडसन है, जो आपको हीरो और हार्ले के कोलैबोरेशन में देखने को मिल रही है, आप इस बाइक को 2023 में कंसिडर कर सकते हो।
तो अगली बाइक है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। फिलहाल में हंटर 350 ने सभी बाइक की सेल्स को डाउन कर रखा है, क्योंकि इस बाइक का दोस्तों प्राइस काफी कम है किसी भी सेगमेंट में आने वाली बाइक से, और इतने कम प्राइस में आपको इसमें सेम इंजन मिलता है क्लासिक 350 वाला, और इवन आपको इसमें डुअल चैनल ABS भी मिलता है सिर्फ 1.5 लाख के प्राइस पर। तो हंटर 350 का एक्शन प्राइस है 1,50,000 से 1,72,000 के प्राइस पर, और ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ेगी 1,66,000 से 1,90,000 के ऑन रोड प्राइस पर। तो बाइक में आपको 349.34 cc का सेम इंजन मिलता है क्लासिक 350 वाला, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.4 bhp की, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27 न्यूटन मीटर का 4000 rpm पर। और फीचर्स में बाइक में डुअल ABS है, नेविगेशन है, 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको मिलते हैं बाइक में, और बाइक का कंसोल है एनालॉग प्लस डिजिटल, जिसमें आपको पूरा रेट्रो स्टाइल वाला फील मिलने वाला है। बाकी सस्पेंशन में बाइक में फ्रंट पार्ट में है 41mm के टेलीस्कोपिक फोक, रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्सॉर्बर है, और टायर साइज में फ्रंट पार्ट का टायर है 110x70mm का, और रियर पार्ट का टायर है 140x70mm का। और लाइट्स में आपको इसमें फ्रंट और साइड इंडिकेटर में हैलोजन मिलते हैं, बाकी टेल लाइट में LED लाइट्स का यूज किया गया है, और डायमेंशन में इसका कवर वेट है 179kg का, 150mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और इसकी सीट हाइट है 790mm की, और आपको इसमें 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और ये बाइक आपको 35 से 40 km का माइलेज देती है सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो ये जो बाइक है ना हंटर 350, ये परफेक्ट ऑप्शन रहने वाला है जिनको थोड़ा डेली कम्यूट से हटके बाइक चलानी है, लाइक कभी कभी संडे राइड्स पे जाना है, लॉन्ग ट्रैवल राइड्स मारनी है बाइक से। बाकी बाइक ओवरऑल काफी अच्छी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगली बाइक है कावासाकी की तरफ से, कावासाकी W175। ओवरऑल ये बाइक काफी अच्छी है, लेकिन बाइक की सेल्स डाउन है इंडियन मार्केट में, क्योंकि इस बाइक का प्राइस थोड़ा सा हाई है बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक से, और कावासाकी ब्रांड होने की वजह से बाइक का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। ये बाइक 1,47,000 से 1,49,000 के एक्शन प्राइस पर अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, और ऑन रोड इस बाइक का प्राइस है 1,70,000 से 1,72,000 के प्राइस पर। बाकी बाइक में 177cc का एयर कूल इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 13 bhp की 7,500 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.2 न्यूटन मीटर का 6,000 rpm पर। बाइक में सिंगल चैनल ABS है, एनालॉग प्लस डिजिटल कंसोल है, और आपको इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलते हैं, और सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोक है, रियर पार्ट में एडजस्टेबल डुअल शॉक अब्सॉर्बर है, और टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 80x100mm का, और रियर पार्ट का टायर है 100x90mm का, और आपको बाइक के सभी पार्ट्स में हैलोजन बल्ब मिलते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बाइक है कावासाकी की तरफ से, जिसको देखकर आपको पूरा रेट्रो स्टाइल फील आने वाला है, लाइक पुराने टाइम पे इंडिया में बजाज और कावासाकी के कोलैबोरेशन में जैसी बाइक आती थी, वैसा फील आपको ये बाइक देने वाली है। बाकी डायमेंशन में इस बाइक का कवर वेट है 135kg का, 165mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, और इसकी सीट हाइट है 790mm की, और आपको बाइक में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, और ये बाइक आपको 40 से 45 km का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल रेट्रो स्टाइल बाइक्स के बारे में, जो फिलहाल में लॉन्च हुई है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।